हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मियन किचन। आज हम बनाने वाले हैं ड्राई मिनी समोसा। आप इसे दिवाली के नाश्ते के लिए या फिर आपका जब भी मन करे तब आप इसे बनाकर खा सकते हैं और ये घर पर बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो ड्राई मिनी समोसे बनाने के लिए हमने लिए एक थाली और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप मैदा और डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। इसे हमें थोड़ा सा मसल के डालना है। डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और मोयन के लिए घी। मोयन हमें इसमें इतना डालना है जितने में आटे की अच्छे से मुट्ठियाँ बनने लग जाए। आप चाहे तो घी की जगह तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैदे की अच्छे से मुट्ठियाँ बनने लग गई है। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका टाइट डो गूंथ लेना है। तो डो रेडी है और अब हमें इसे 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने देना है। तब तक हम मिनी समोसों की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो हमने रख दी है गैस पर एक कढ़ाई और इसमें हम डाल देते हैं 1/4 कप तिल। तिल को हमें मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। तो तिल अच्छे से भून चुकी है और इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे हमें ठंडा होने देना है। तो तिल ठंडी हो चुकी है और अब हमने लिया है एक मिक्सर का जार और इसमें तिल को डाल देते हैं और डाल देते हैं 1/2 कप सेव और 7 से 8 लहसुन की कलियां। इससे समोसों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। अब हमें इसे पीस लेना है। तो हमने इसे पीस लिया है और अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। और इसमें डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च और डाल देते हैं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर और हींग और इसके थोड़े से खट्टे मीठे टेस्ट के लिए हम इसमें डाल रहे हैं इमली की चटनी। अगर आपके पास इमली की चटनी नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और अगर आमचूर पाउडर डाल रहे हैं तो उसके साथ थोड़ा सा गुड़ भी डालें, तभी इसमें खट्टा मीठा टेस्ट अच्छा आएगा। तो हमने इसमें 2 चम्मच इमली की चटनी डाल दी है और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मिनी समोसों की स्टफिंग रेडी है और डो को भी रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसके मिनी समोसे बना लेते हैं। तो डो की हमें छोटी सी लोई तोड़नी है और इसे हमें गोल गोल करके गोला बना लेना है। तो हमने ये लोई बना ली है और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा मैदा और इसे हमें थोड़ा सा लंबा बेलना है। इसे हमें थोड़ा सा मोटा ही बेलना है। अब हमें इसे बीच में से काट लेना है। एक लोई से 2 समोसे बनते हैं। एक भाग हमें इसका लेना है और इसके कॉर्नर पे हमें पानी लगाना है। और फिर दोनों कॉर्नर को आपस में जोड़ देना है और इसका एक कोन बना लेना है। अब इसके अंदर हमें डाल देनी है स्टफिंग। हमें स्टफिंग ज़्यादा नहीं डालनी है, जितनी इसमें आ जाए उतनी ही डालनी है। अब इसके लास्ट में भी हमें पानी लगा देना है
और पीछे की साइड को आगे की तरफ लेकर जोड़ देना है। तो मिनी समोसे का शेप बन गया है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हमें बाकी के भी समोसे बना लेने हैं। तो हमने सारे समोसे बना लिए हैं और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो तेल को हमने गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है और गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम पे कर देना है। और तेल हमें हल्का ही गर्म चाहिए, इसे चेक कर लेते हैं। और देखिए, इसमें थोड़े थोड़े से बुलबुले आने लगे हैं, तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मिनी समोसे डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो पर ही रखना है। तेल हमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, नहीं तो समोसे बाहर से सिक जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। हमें इन समोसों को धीरे धीरे से चलाना है और सब तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो समोसों में अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह हमें दूसरे समोसे भी फ्राई कर लेना है। तो ये समोसे भी फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो सारे मिनी समोसे बनकर तैयार है। इन समोसों को आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।